गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल डू चैप्टर 18 ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक एंड द टॉपिक इज हैड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड क्लास वर्क. वी यूज हैड इन पास्ट टेंस. ओके, यस्टरडे वी डिड हैज हैव. वी यूज हैज हैव फॉर प्रेजेंट टेंस एंड हैज हैव हैड शो पोजेशन. ओके, वी यूज हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, एंड वी यूज हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. बट इन केस ऑफ हैड वी यूज हैड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स और नाउन्स. ओके, सिंगुलर और प्लूरल सभी नाउन्स के लिए हम हैड वर्ब का यूज करते हैं. ओके, एंड वी यूज हैड इन पास्ट टेंस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी यूज हैड विद आई वी यू दे ही शी प्रोनाउन एंड द बॉयज. ओके, वी यूज हैड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. ओके, ईदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर. ओके, so now we will do b part. Tick the correct words in the brackets. First is a cat has had a furry tail. Okay, so according to this sentence is in present. Okay, so answer will be has. With singular we will use has. Okay, so answer will be has. Next is Megha has had fever yesterday. In this sentence, yesterday is given. Okay, and yesterday is related to past. Past के लिए हम yesterday का use करते हैं. Okay, so answer will be had. Okay, we use had in past tense. Okay, और had का use हम singular हो या plural हो, आपका noun सभी के साथ हम had verb का use करते हैं. Okay. थर्ड इज आई हैव हैड अ पिज्ज़ा एंड अ पेप्सी फॉर लंच यस्टरडे. ओके, सो अगेन यस्टरडे इज गिवन एंड यस्टरडे इज रिलेटेड टू पास्ट. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी हैड. ओके, नेक्स्ट इज डिम्पी हैज हैड अ न्यू वीडियो गेम. शी डज नॉट शो इट टू एनी वन. ओके, सो इन दिस सेंटेंस डज इज गिवन एंड डज इज रिलेटेड टू प्रेजेंट. ओके, डज वर्ब का यूज हम प्रेजेंट में के लिए करते हैं. सो आंसर विल बी इन प्रेजेंट वर्ब. सो प्रेजेंट वर्ब इज हैज. सो आंसर विल बी हैज. सो टिक ऑन हैज. ओके, नेक्स्ट इज आई हैव हैड वन सिस्टर. हर नेम इज रिया. सो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट. ओके, फॉर प्रेजेंट वी विल यूज हैज और हैव. ओके, सो आंसर विल बी हैव. सो टिक ऑन हैव. ओके, सो यस्टरडे इज रिलेटेड टू पास्ट. ओके, वैन वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस वी विल यूज हैड. ओके, एंड वैन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस वी विल यूज हैज और हैव. ओके, नेक्स्ट इज लास्ट संडे आशीष हैज हैड एन इंग्लिश टेस्ट. ओके, सो हियर अगेन लास्ट मंडे इज गिवन. लास्ट मंडे मीन पिछले मंडे. ओके, सो इट इंडिकेट्स दैट सेंटेंस इज इन पास्ट. ओके, यह शो करता है कि सेंटेंस ये पास्ट में है. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी हैड. ओके, बिकॉज हैड इज रिलेटेड टू पास्ट एंड हैज रिलेटेड टू प्रेजेंट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस लास्ट मंडे इज गिवन एंड लास्ट इज रिलेटेड टू पास्ट. सो आंसर विल बी हैड. नेक्स्ट इज यू हैव हैड अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला. हैव यू लॉस्ट इट? सो इस सेंटेंस में लॉस्ट वर्ब इज गिवन. लॉस्ट वर्ब पास्ट वर्ब है. ओके, सो इट शोज दैट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. लॉस्ट जो कि पास्ट वर्ब है, यह ये शो करता है कि ये सेंटेंस आपका पास्ट में है.
ओके सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी हैड. ओके नेक्स्ट इज आवर स्कूल हैव हैड अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन लास्ट वीक. सो हियर लास्ट वीक इज गिवन, लास्ट इज रिलेटेड टू पास्ट, सो दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. ओके सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी हैड. ओके नेक्स्ट इज अ रिवर हैड हैज टू बैंक्स. ओके सो इट मीन्स दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट. ओके ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, सो फॉर प्रेजेंट वी विल यूज हैज और हैव. सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस आंसर विल बी हैज, सो टिक ऑन हैज. ओके नेक्स्ट इज आई हैव हैड मैनी फ्रेंड्स, वी ऑलवेज प्ले टुगेदर. ओके सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेजेंट बिकॉज हियर प्ले इज गिवन एंड प्ले इज प्रेजेंट वर्ब. ओके सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी हैव. ओके सो चिल्ड्रन आपको सेंटेंस में क्या देखना है कि सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड है या प्रेजेंट से. ओके अगर सेंटेंस में यस्टरडे या लास्ट मंडे लास्ट संडे दिया गया है तो इट मीन्स क्या है, सेंटेंस आपका पास्ट में है. सो हम हैड वर्ब का यूज़ करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो. ओके एंड अगर सेंटेंस में टुडे दिया गया हो तो इट मीन्स होगा कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है एंड वी फॉर प्रेजेंट वी विल यूज हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द नाउन. ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. ओके आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और उसको सुनना है समझना है. ओके और देन उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हैज हैव और हैड का यूज़ कब करना है. ओके सो कम ऑन नेक्स्ट पेज. नाउ वी विल डू सी पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज हैव और हैड. ओके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है हैज हैव और हैड के साथ. ओके आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में है. इफ सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस वी विल यूज हैड, इफ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस वी विल यूज हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द नाउन. ओके फर्स्ट इज लास्ट ईयर. सो हियर लास्ट ईयर इज गिवन एंड लास्ट ईयर मीन्स पास्ट. दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सो वी विल यूज हैड वर्ब. लास्ट ईयर केशव वॉज इन अ प्लेग्राउंड, सॉरी प्ले स्कूल. ओके एंड वॉज इज गिवन, वॉज इज रिलेटेड टू ऑल्सो पास्ट. वॉज का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं. ओके सो इट क्लियर्स दैट, यह हमें बताता है कि सेंटेंस आपका पास्ट से रिलेटेड है. द स्कूल डैश मैनी इंडोर गेम्स फॉर चिल्ड्रन. सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी हैड. ओके बिकॉज फॉर पास्ट वी विल यूज हैड. ओके बट इट डैश नो प्लेग्राउंड. ओके बट स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है. ओके सो वी विल यूज हैड. ओके बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर. ओके नेक्स्ट इज केशव इज नाउ एंड नाउ मीन अब. सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम. ओके सो केशव इज नाउ इन द स्प्रिंग वैली स्कूल. अब केशव स्प्रिंग वैली स्कूल में है. ही इज न्यू स्कूल डैश थ्री बिग प्लेग्राउंड्स. ओके सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केशव्स न्यू स्कूल. ओके सो वी विल यूज हैज एंड बिकॉज स्कूल इज अ सिंगुलर नाउन
so with singular we will use has. Okay, it also dash a skating rink. Okay, or school में एक skating rink भी है. Okay, so what will the answer? Has. Because in this sentence we are talking about present, we will use has. All good schools dash a playground. All good schools dash a playground. So in this sentence schools is given and schools is are plural. Okay, so we use have. Okay, for plural we will use have. Some schools dash a swimming pool and a skating rink also. Okay, so again here schools is given, so answer will be have. Okay, because we are talking about many schools. Okay, they also dash rich libraries. Or वहां पर क्या है, rich libraries भी है. Okay, so with they we use have. Okay, so answer will be have. Okay, because they is a plural pronoun. Okay, with plural we will use have. Okay, so children, I have done first paragraph and you will do second in homework. Okay, yourself. This is your homework. Okay, और आपको क्या देखना है, अगर हम past के बारे में बात कर रहे हैं तो हम had verb का use करेंगे. Okay, अगर हम present के बारे में बात कर रहे हैं तो has और have verb का use करेंगे according to the subject. Okay, so this is your homework. Okay, you have to watch this video carefully. Okay, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है कि मैंने आपको क्या बताया है, और then you will do second part. Okay, this is your homework. Okay.